हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS GS के रिवीजन सीरीज़ के डिस्कशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंस ओरिएंटेड डिस्कशन और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की मॉड्यूल नंबर 1 है और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और इंडिया के नेबरहुड के बारे में। यहाँ पर फोकस हमारा करंट अफेयर्स को रहेगा, प्लस साथ ही साथ में हम लोग बैकग्राउंड भी देख लेंगे एक जिस्ट फॉर्मेट में, और जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं स्टेट PCS के, UP PCS के, उनको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ में कैसे उन्हें लिखा जाना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, और शुरू करने में जो हमारा सेक्शन है, जो आज का सेक्शन है, वो है इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस। इंडिया और चाइना के बीच में अगर रिलेशंस के बारे में बात किया जाए तो थोड़ी सी एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं चाइना की, कि कैसे चाइना आखिर में आया था। तो चाइना के बारे में सिंपल है, चाइना 1912 में ब्रिटेन ने इनको इंडिपेंडेंट दे दिया था, ये लोग आज़ाद हो गए थे। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर हो जाती है सिविल वॉर, और ये जो सिविल वॉर होती है ये बेसिकली दो ग्रुप के बीच में होता है। एक ग्रुप है जो कम्युनिस्ट ग्रुप रहती है, जो कि बेसिकली माओ के द्वारा लीड की जा रही थी, और दूसरे रहते हैं जो राइट विंग के रहते हैं, और इनका नाम रहता है KMT। हालांकि दोनों के बीच में जब वॉर होती है तो जो चाइना है वो आ जाती है कम्युनिस्ट के अंडर में, माओ के अंडर में आ जाती है, और जो KMT है इनको जाना पड़ता है जगह छोड़ करके, और ये चले जाते हैं ताइवान पर। और इस तरीके से ताइवान की टेरिटरी एक राइट विंग की टेरिटरी बन जाती है, और इनको बना दिया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ताइवान, और जो कम्युनिस्ट हैं ये बना देते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस तरीके से चाइना और ताइवान की लड़ाई तब से ही चली आ रही है। 1949 में अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो सिविल वॉर है वो ख़त्म हो जाता है, और अल्टीमेटली चाइना एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के रूप में निकल करके आ जाता है। तो यही चीज़ होती है 1949 के बाद में ही, जब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में निकल के आता है, इंडिया वॉज फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट स्टेट जो कि PRC को, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपनी जगह दिया था कि आप एम्बेसी यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में इन हिंदी चीनी भाई भाई इस नाम से एक नारा चलता था, और दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। 1950 के दौरान में एक तरफ जहां इंडिया अपनी पंचशील की पॉलिसी फॉलो करता था, वहीं दूसरी ओर जो चाइना है वो पंचशील को रेस्पेक्ट करता था, और नेहरू और उस समय के जो प्रीमियर थे उनके बीच में काफ़ी अच्छी एक रिलेशनशिप देखने को मिलती थी। इंडिया और चाइना इन दोनों ने अभी रिसेंट में ही 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर के, और ये काफ़ी पहले से, इनफैक्ट 1950 से आज तक चली आ रही है। हालांकि रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वॉर भी हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में आज भी ट्रेड रिलेशन काफ़ी गहरा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इनके बीच में इरिटेंट्स के बारे में बात करें कि आखिर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चैलेंजेस आर देयर। अब ये जो चैलेंजेस हैं इनकी अपने आप में हिस्ट्री है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो अगर हम लोग बात करें, पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। बॉर्डर डिस्प्यूट में दो एरिया आते हैं, एक आता है जो अक्साई चीन का पार्ट है जो कि लद्दाख वाले पार्ट में है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न हिमालय वाले साइड में है, और दूसरा वाला एरिया आ जाता है आपका जो तवांग का एरिया है जो कि ईस्टर्न हिमालय में है। दिस इज़ इन ईस्टर्न हिमालय। तवांग पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, और जो अक्साई चीन है ये पड़ता है आपके लद्दाख, अभी इंडियन यूनियन टेरिटरी बन गई है ये। हालांकि दोनों में वॉर जो हुआ था 1962 के बीच में वॉर हुआ था, और यहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो था बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के देखिए तमाम कमेटीज़ बनाई गई हैं, जैसे एक है WH जॉनसन कमेटी बनाई गई थी, और इन्होंने शुरुआती दिनों में इन्होंने बाउंड्री बताया था कि इंडिया और इंडिया और चाइना के बीच में क्या बॉर्डर रहेगा। इसी चीज़ को आगे अर्डाक कमेटी बनाई गई थी, और अल्टीमेटली मैकमोहन लाइन बाद में ड्रॉ कर ली गई थी, दिस इज़ मैकमोहन लाइन। और अल्टीमेटली इंडिया और चाइना के बीच में क्या बाउंड्री होनी चाहिए वो डिसाइड कर दी गई थी, बट वो बात दूसरी है कि चाइना उस चीज़ को मानता नहीं है, और अल्टीमेटली इसको लेकर के दोनों कंट्री के बीच में वार्ता, दोनों कंट्री के बीच में हमेशा मीटिंग्स बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर अल्टीमेटली आज भी ये जो अक्साई चीन का पार्ट है और जो तवांग का पार्ट है, ये आज भी इशू ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। हालांकि तवांग के एरिया तो अभी भी हमारे ही अंडर में है, हालांकि जो चाइना है वो क्लेम करता है, बट स्टिल अक्साई चीन हमारे पास अभी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो फिलहाल अगर बात किया जाए कि कौन सी अभी लाइन है, तो हमारे पास है, यानी कि दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तो ना तो WH जॉनसन लाइन फॉलो की जाती है, ना तो आपकी मैकमोहन लाइन फॉलो की जाती है, ना ही मैकॉर्टनी लाइन फॉलो की जाती है, फॉलो किया जाता है अभी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरी जो बड़ी इरिटेंट है वो है जियोनॉमिक डिस्प्यूट को लेकर के।
जियोनॉमिक का मतलब कुछ नहीं होता है, दिस इज जियो मतलब की जियोग्राफिकल, एंड नॉमिक मतलब होता है इकोनॉमिक। तो दोनों के बीच में ट्रेड जो डेफिसिट है वो काफ़ी गहरा है, ट्रेड डेफिसिट काफ़ी गहरा है। अगर बात किया जाए इंडिया, तो इंडिया जो है चाइना से काफ़ी कुछ इम्पोर्ट करता है, यानी इंडिया इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन चाइना, लेकिन चाइना बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करता, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, और इसी वजह से ये जो जियोनॉमिक इशू है वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है। एक तो पहली चीज़ ट्रेड डेफिसिट को लेकर के है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो चाइना है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डंपिंग की जाती है इंडिया में, डंपिंग किए जाने के कारण से ही यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सस्ते में आइटम अवेलेबल करा दिया जाता है, और इस तरीके से चाइना इंडिया की जो मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़, चाइना जो इंडियन बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर अपने सामान की अगेन वहाँ पर भी डंपिंग करता है, वहाँ पर सस्ते में सामान अवेलेबल करा दिया जाता है। इसे बेसिकली करना ये चाहता है चाइना कि जो भी बॉर्डर के एरिया के लोग हैं वो चाइनीज़ फेवर के हो जाएं, और अगर चाइनीज़ फेवर के रहेंगे तो आसानी होगी एरिया को कब्जा करने में। तो ये तीन बेसिक आइडियाज़ हैं जो कि जियोनॉमिक डिस्प्यूट का कारण बनते हैं। अगली जो इरिटेंट है वो है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि ये क्या करता है कि पहले छोटे छोटे एरिया को कैप्चर करता है और फिर बाद में अल्टीमेटली एक बड़े एरिया को कैप्चर कर लेता है। क्या चीज़ करता है ये, जैसे अगर बात किया जाए, मान लेते हैं सपोज़ दिस अरुणाचल प्रदेश का इलाका, तो चाइना पहले क्या करेगा, छोटे छोटे यहाँ पर अपने यूनिट्स लेकर के आएगा और फिर अचानक से ही सारी यूनिट को इकट्ठा कर देगा और इस पूरे के पूरे इलाके पे कब्जा कर लेगा। ऐसा पास्ट में कई बार देखा गया है। अक्साई चीन का जो मुद्दा था यहीं ऐसे ही शुरू हुआ था। इनफैक्ट अभी रिसेंट में डोकलाम का मुद्दा हुआ था, हालांकि जो डोकलाम है वो इंडिया में नहीं है, दिस इज़ इन भूटान, लेकिन फिर भी जो टेरिटरी जो इस्तेमाल किया गया तरीका वो अगेन यही है। तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू से ही रही है, और इसी चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण ही 1962 का भी वॉर हुआ था, और इनफैक्ट अभी रिसेंट में डोकलाम और अभी रिसेंट में जो आपकी टसल हुई थी बेसिकली फिंगर पॉइंट्स को लेकर के, वहाँ पर भी सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपने आप में एक तो कम्युनिज्म और दूसरी चीज़ टेरिटरी का इलीगल, एक तरीके इलीगल कैप्चर करना। नेक्स्ट जो इशू है वो है दलाई लामा के इशू को लेकर के। अभी दलाई लामा का जो इशू है वो अपने आप में तिब्बतियन इशू को लेकर के है। तिब्बत शुरुआती दिनों में एक ऑटोनॉमस स्टेटस के तौर पर था, और अल्टीमेटली ये लोग फॉलो करते थे बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, और यहाँ पर जो इनके रिलीजियस लीडर हैं उनको बोला जाता है दलाई लामा। बाद में हालांकि इस ऑटोनॉमस स्टेटस पर चाइना ने कब्जा कर लिया और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो तिब्बत की है उसे चाइना ने अपने हाथ में ले लिया। इस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के वॉयलेशन के बाद दलाई लामा को डर लगा कि कहीं चाइना इनकी मर्डर न कर दे, और इस वजह से ये भाग करके इंडिया में आ गए 1959 में। नेहरू जी ने इनको असाइलम दिया, और तब से ये जो दलाई लामा का इशू है इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी बड़ा इशू बन करके निकल करके आया है। दलाई लामा के साथ एक बड़ा इशू ये है कि ही इज़ द रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत, और जब तक ये रिलीजियस लीडर रहेंगे, जब तक ये यहाँ के प्रीस्ट रहेंगे, तब तक तिब्बत की जो फुल कमांड है वो चाइना के हाथ में नहीं जा पाएगी। हालांकि तिब्बत को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज, इंडिया ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर चुका है कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन फिर भी दलाई लामा का इशू अभी भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। इनफैक्ट जब भी दलाई लामा इंडिया में विजिट करते हैं तब चाइना का कोई ना कोई एक एग्रेशन, कोई ना कोई एक हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, या तो पॉलिसी के फॉर्मेट में या फिर कहीं ना कहीं इंडिया को बायकॉट किया जाता है चाइना के द्वारा। तो जो भी है, ये जो दलाई लामा का इशू है ये अपने आप में एक बड़ा इशू है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा रिवर डिस्प्यूट भी होते रहते हैं। रिवर डिस्प्यूट में क्या है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है चाइना से और अल्टीमेटली इंडिया में आती है। ब्रह्मपुत्रा एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है इसको ड्रेन करती है। तो ड्रेन करने के कारण से दो फायदे, एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर नेविगेबल रोड बन पाती है, नेविगेबल रास्ता बन पाता है बेसिकली। अगर इन केस किसी तरीके से हमारे इस नॉर्थ ईस्ट को कट कर दिया गया या फिर ब्रह्मपुत्रा को रोक दिया गया, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा, पूरी तरीके से वाटर डेफिसिट बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है चेरापूंजी मानसून रॉम में, लेकिन ये इलाका फिर भी वाटर डेफिसिट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्टोरेज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है वो माउंटेनियस है, रॉकी टेरेन होने के कारण से यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है, सेव नहीं कर पाते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज़ इनके इस ब्रह्मपुत्रा में एक तो तरीका ये है कि इसको पूरा का पूरा जो होता है वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाए, तो पानी ही नहीं जाना पड़ेगा,
मतलब पानी ही नहीं आने पाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा इलाका वाटर डिफिसिट हो जाएगा। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक इंटरनेशनल रिवर है। करता क्या है चाइना? चाइना अभी रिसेंट में इनफैक्ट यह काम किया भी जा रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर की कोई भी ट्रिब्यूटरी जो होगी, ट्रिब्यूटरी रिवर, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। और इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होता क्या है कि जितनी भी सिल्ट है, जो भी सिल्ट है या फिर जो भी कह लीजिए कि जो मिट्टी होती है, वो सब इकट्ठी होकर के इंडिया में आना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है, और यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जो नदियों की जो बेसिकली फ्लो है, द फ्लो ऑफ द रिवर जो है, वो भी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सिल्ट के साथ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका फ्लो कम हो जाता है, और ये हमारे नेविगेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस साथ ही साथ में क्या है कि जो मिट्टी लेकर के आता है, उस मिट्टी के कारण से पोल्यूशन भी हो जाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ये रिवर डिस्प्यूट का ब्रह्मपुत्र को लेकर के। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र का एक कार्ड प्ले किया जाता है चाइना के द्वारा हमेशा, जब भी हम इंडस के बारे में बात करते हैं, चूँकि इंडस क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए ब्रह्मपुत्र को कैप्चर कर लिया जाता है चाइना के द्वारा। तो एक ये ट्रम्प कार्ड खेला जाता है चाइना के द्वारा जब भी ब्रह्मपुत्र के बारे में या फिर जब भी हम लोग इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं तो। और इसी वजह से ये भी एक बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा एक और अभी रिसेंट में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर इसी को बोलते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव अपने आप में चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के नाम पर निकाला है। इसका मतलब क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहारे चाइना कोशिश ये करता है कि एशिया को किस तरीके से हम यूरोप के साथ में जोड़ सकते हैं। मतलब चाइनीज़ गुड्स ये लोग ट्रैवल करेंगे एशिया से, शंघाई से स्टार्ट होकर के अल्टीमेटली इटली में जाएगा, यानी कि यूरोप में जाएगा। दो रास्ते इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो जो आपका सिल्क रूट है, सिल्क रूट का मतलब ये बॉर्डर एरिया, मतलब कि लैंड के थ्रू होकर के जाएगा, दिस इज़ लैंड के थ्रू होकर जाएगा। दूसरा एक इलाका बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग मैरीटाइम एरिया, मैरीटाइम सिल्क रूट, और इस मैरीटाइम सिल्क रूट में क्या होगा कि ये नदियों के सहारे यानी कि ओशियन रूट को लेकर के जाएगा, दोनों अल्टीमेटली मेडिटेरेनियन में मिल करके फिर अल्टीमेटली इटली में चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, प्रॉब्लम ये है कि ये इनिशिएटिव हमारे इंडिया का जो जम्मू कश्मीर, बेसिकली जो POK का रीजन है, यहाँ से होके गुजरता है, और सिंस दिस इज़ सॉवरेनिटी वायलेशन, ये जो है सॉवरेनिटी का वायलेशन है इंडिया के, और इस वजह से इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तो विरोध भी करता है, और दूसरी चीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये अगेन एक इरिटेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस। जब भी हम लोग पाकिस्तान के, जैसे मसूद अजहर का केस था, जब हम लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने जा रहे थे, या फिर जो UN की लिस्ट है 1267 की, जब इसमें हम लोग इंक्लूड करने की बात करते थे, तो चाइना हमेशा वीटो कर देता था, और ये इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान को बचाता था। खैर अल्टीमेटली ये इंक्लूड कर दिए गए हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन खैर ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस अपने आप में इंडिया और चाइना के बीच में एक बड़ा डिस्प्यूट, बड़ा इरिटेंट बना हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में इरिटेंट बना हुआ है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू नीड टू ड्रॉ दिस, ये हमेशा फ्लो चार्ट में बनाइएगा, और इन 7 पॉइंट्स को हमेशा डिस्कस करना है जब भी आप इंडिया चाइना के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया चाइना के बीच में अगर हम लोग कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में बात किया जाए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1949 में चाइना भी आज़ाद हो जाता है, और इंडिया भी 1947 में आज़ाद हो जाता है। 1950 में जा करके इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाती है, और रिलेशन ऐसी होती है कि दोनों कंट्री के जो प्रीमियर हैं, यानी कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक दूसरे कंट्री को विज़िट करते हैं। इसी तरीके की विज़िट होती है 1954 में, जहाँ पर चाइनीज़ प्रीमियर जो ज़ाऊ हैं, ये आए थे इंडिया, और फिर इसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नेहरू, इन्होंने 1954 में ही विज़िट किया था चाइना की, और इस तरीके से दोनों के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई वाला एक नारा निकल करके आया था, और ये रिलेशन मेंटेन हो रखी थी। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है 1962 के दौरान में, और एक सीरियस इशू होता है, वॉर हो जाती है। वॉर होने के बाद में अल्टीमेटली ये समझ नहीं आता है कि अब कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, लेकिन बाद में 1976 के दौरान में जब अल्टीमेटली गवर्नमेंट आती है, तो ये वापस से रिस्टोर करते हैं, दोनों के रिलेशन रिस्टोर किया जाता है, और यहाँ पर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर AB अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, इन्होंने बेसिकली विजिट किया था,
और विजिट करके 1979 के बाद में अल्टीमेटली दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन को वापस से रिवाइव करने की कोशिश किया। चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ वेरी कंसर्न अबाउट इट्स जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको लेकर के काफ़ी कंसर्न रहता है और कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। डजंट मैटर किसी भी प्रीमियर ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने भी चाइना में विजिट की है कि नहीं की है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर चाइना का कहीं पर भी किसी भी तरीके से अगर ईगो अगर हर्ट होता है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव जो मीट नहीं होता है तो चाइना रिएक्शन देता है। और इसी वजह से हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि बोथ द कंट्री, इंडिया और चाइना, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे। एक और इनफैक्ट यहाँ पर कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं बफर स्टेट का। दो जब बड़ी कंट्री होती हैं और दो कंट्री के बीच में एक जो छोटी कंट्री फंस जाती है उसको बोलते हैं बफर स्टेट। एक तरफ आपका इंडिया है, दूसरे तरफ आपकी चाइना है, दोनों ही कंट्री कंपीट कर रही हैं कि हम एशिया की सुपर पावर बन जाए, और इस कारण से दोनों ही इस बफर स्टेट पर हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं। बफर स्टेट के रूप में यहाँ पर नेपाल, भूटान आ जाती है और इन दोनों पर हमेशा जो होता है एक प्रेशर बनाया जाता है कि या तो आप इंडिया के फेवर में आ जाइए या फिर चाइना के फेवर में आ जाइए। खैर, यहाँ पर भी काफ़ी मिक्स व्यू है जो कि हम लोग इन दोनों के रिलेशन के बीच में देखेंगे कि आखिर में क्या इनके बीच का व्यू है। अल्टीमेटली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उन्होंने 1981 में एक विजिट किया, हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और अल्टीमेटली इसी तरीके से 1988 में फिर विजिट किया गया। ड्यूरिंग दिस विजिट बोथ साइड एग्रीड टू डेवलप एंड एक्सपैंड बायलेटरल रिलेशन इन ऑल द फील्ड, और इस तरीके से यहाँ पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना लिया गया जो ये डिसाइड करेगा कि हमें अब क्या क्या किस किस एरिया में बायलेटरल रिलेशन मेंटेन करना है थ्रू फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑन बाउंड्री क्वेश्चन भी डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ से फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। अल्टीमेटली फ्रॉम द चाइनीज साइड जो प्रीमियर थे इन्होंने 1991 में विजिट किया। अब फॉरेन अफेयर के बाद में अब आ गए मेन ट्रैक वन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो होती है वो तीन तरीके की होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं ट्रैक वन, दूसरी होती है ट्रैक टू, तीसरी होती है ट्रैक थ्री। ट्रैक वन होती है जहां पर मेन जो बड़े लीडर्स हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो गए, तो जितने भी कैबिनेट के लोग होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, वो लोग विजिट करते हैं। ट्रैक टू का मतलब ये होता है जहाँ पर एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जब विजिट करती हैं, मीट करती हैं। ट्रैक थ्री होती है पीपल टू पीपल इंटरैक्शन, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन, और ये होती है ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। तो ये चीज़ यहाँ पर अल्टीमेटली 1991 में ट्रैक वन डिप्लोमेसी वापस रीस्टैब्लिश हो जाती है और दोनों कंट्री के जो प्रीमियर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी हमारे यहाँ से नरसिम्हा राव और वहाँ से ली पेंग, ये दोनों लोग विजिट करते हैं और अल्टीमेटली रिलेशन को वापस से मेंटेन करते हैं। और इस तरीके से एक MOU साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांकुलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कि बॉर्डर का डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये जरूर डिसाइड हो गया है कि अब हमें वेपन नहीं उठाना है। अगर मान लेते हैं कोई भी बॉर्डर पे क्लैश होती है तो वी विल नॉट पिक द वेपन, वी विल ओनली टॉक। हम लोग पीसफुल और ट्रांकुल तरीके से हम लोग बात करके अल्टीमेटली जो भी मुद्दा होगा उसको सुलझा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इंडिया एंड चाइना बॉर्डर एरिया वॉज साइन ड्यूरिंग दिस विजिट एंड अल्टीमेटली दोनों साइड ने इस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर लिया और दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड किया गया और अल्टीमेटली इस तरीके से दोनों कंट्री वापस से जो एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश थी वो करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं निकलता है क्योंकि कंट्री के बीच में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, समय समय की बात है और ऑब्जेक्टिव की बात है। हमेशा चाइना कोशिश यही किया है कि इंडिया को किस तरीके से कंटेन किया जा सके और इंडिया ने कोशिश किया है कि किस तरीके से चाइना को कंटेन किया जा सके। अभी आज की डेट में अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर के काफ़ी ट्रेड वॉर है, लेकिन खैर फिर भी चाइना इज़ अ रियली वेरी वेरी बिग प्लेयर और चाइना इस समय US के साथ में कम्पीट कर रहा है इंडिया को कम्पीट करने के लिए। अपनी कल्चरल एंड जो एक पीसफुल वैल्यू है उसको निकाल करके ले आना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया जब भी अपने आप को प्रमोट करता है वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात कही जाती है और हम लोग पीस एंड जो एक कंपैशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब जो है इन्होंने एक विजिट किया 1992 में और ये पहली हेड ऑफ द स्टेट की विजिट हुई थी जो कि इंडिया चाइना के बीच में हुई थी। अल्टीमेटली दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ ही साथ में दोनों ने अब अल्टीमेटली एग्रीमेंट साइन कर लिया कि अब हम कभी भी आपस में वेपन के थ्रू नहीं लड़ेंगे। जो भी बातें करनी होंगी वो हम लोग बात करके अल्टीमेटली इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू इन्हेंस एंड प्रमोट कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। हम इन दोनों चीज़ों को कोऑपरेशन और ट्रस्ट को आगे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे।
इंडिया एंड चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस आर एनहेंस्ड एंड स्ट्रेंथेंड बाय वेरियस मैकेनिज्म, देयर इज अ क्लोज एंड रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स। अब ये हम लोगों ने इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से। एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन इज डिस्पाइट अ कॉर्डियल, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डिस्पाइट अ कॉर्डियल एंड मामल्लपुरम समिट बिटवीन इंडियन पीएम मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट, द डिस्प्यूट ऑन एलएसी हैज डीपेंड आफ्टर सेवरल ईयर्स, व्हाट डू यू थिंक एंड द रीजंस बिहाइंड इट। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि हम लोगों ने इतने समिट्स कर लिए, इतनी बातें कर ली, इतना रिलेशन मेंटेन कर लिया, लेकिन फिर भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स अभी रिसेंट में क्या हुआ है। ये जो करंट अफेयर्स है बेसिकली वो अगेन ये एक 365 डेज का है, तो एक साथ इंटीग्रेट कर लिया गया है। बैकग्राउंडर के साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब रिसेंट में देखिए कई सारी यहाँ पर टेंशन हुई थी। सबसे बड़ी जो टेंशन हुई थी वो गैलवान को लेकर के हुई थी। रिसेंट में क्या हुआ कि चाइना ने अपने एक नई बॉर्डर पॉलिसी, एक नया बॉर्डर लॉ लेकर के आया और इसी के बीच में इंडिया और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया। और ये जो हुआ था वो ईस्टर्न लद्दाख में हुआ था। दोनों साइड के सोल्जर्स आपस में, दोनों के बीच में जो होती है कुछ टेंशन हुई और टेंशन के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ फिंगर पॉइंट्स हैं, दे आर फिंगर पॉइंट्स। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिंगर पॉइंट क्या है, तो आप सिंपली बता देंगे फिंगर पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता है, दे आर स्मॉल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे ये हिल्स हैं और ये जब सैटेलाइट इमेज देखी जाती है तो फिंगर के तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर, ये पहाड़ियाँ हैं, ये हिल्स हैं। अब इन पहाड़ियों में नंबरिंग कर देखी गई है 1 से लेकर 8 तक की, जहाँ पर 1 से 4 की गार्डिंग जो है वो इंडिया करता है और 5 से 8 जो होता है वो चाइना गार्डिंग करता है। हालांकि दोनों कोऑपरेशन करते हैं यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के प्रति एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, लेकिन इसी को लेकर के अल्टीमेटली वॉर हुई थी और यहाँ पर चाइनीज़ के जो सोल्जर्स थे वो कैप्चर कर लिए थे पॉइंट नंबर, फिंगर पॉइंट नंबर 3 और 4। और इसी चीज़ को लेकर के दोनों कंट्री के जो डिफेंस है, जो डिफेंस के बेसिकली हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मीटिंग की और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने की कोशिश की और अल्टीमेटली वापस से स्टेलमेट हो गई है, यानी कि जो चीज़ पहले थी वैसे ही वापस से स्टेलमेट कर दिया गया है। तो ये चीज़ थी जो कि चाइनीज़ सोल्जर ने क्रॉस किया एलएसी को और ये गैलवान रिवर वैली के पास में हुआ था और अल्टीमेटली काफ़ी टेंशन हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। 13 राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए थे और अल्टीमेटली दोनों कंट्री ने विड्रॉ कर लिया फ्रंट लाइन ट्रूप्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक एंड गोदरा पोर्ट, बट हैव बीन अनेबल टू विड्रॉ ट्रूप्स एट अदर फ्रिक्शनल पॉइंट्स। बाकी चीज़ें अभी भी उस पर बात होनी है, लेकिन खैर अल्टीमेटली फिंगर पॉइंट का जो मेन मुद्दा था वो सॉल्व कर लिया गया है, सॉल्व इन द सेंस की स्टेलमेट हो गई है। बॉर्डर रिमेन्स टेंस एज चाइना इज नॉट इंक्लाइन टू मूव बैक फ्रॉम PP15 हॉट स्प्रिंग एरिया है ये, और रिपोर्ट ने यही कहा है कि चाइना इज अपग्रेडिंग एंड इंस्टॉलिंग रडार स्विफ्टली अलॉन्ग द LAC। खैर अभी फिलहाल के बारे में बात करें तो टेंशन रिलेटिवली रिलीज हो गई है, लेकिन फिर भी दोनों कंट्री के बीच में वापस से जो ये मिसट्रस्ट है वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। खैर इस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कंट्री आपस में ट्रेड को बढ़ाती है, मीटिंग्स करती है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा जो पहलू, सबसे अच्छा जो तरीका निकल करके आया वो है इनफॉर्मल मीटिंग का। मीटिंग जो होते हैं प्रीमियर के बीच में वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं जो फॉर्मल मीटिंग होती है, दूसरी होती है जो इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल मीटिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर अल्टीमेटली एक प्रेस रिलीज निकलेगी और अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी MOU साइन होंगे वो फाइनली जो होता है एक वर्ल्ड ऑर्डर में निकाल करके आएंगे, दोनों कंट्री उस पर साइन करेगी और अल्टीमेटली आगे उस पर काम करेगी। लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं साइन होगा, यहाँ पर कंट्री केवल अपने आप का ट्रस्ट बिल्डअप करेगी, दोनों कंट्री जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन पर काम करेगी और ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगी, ट्रस्ट बिल्डअप करेगी। और ये जो मीटिंग्स है वो 2 बार हुई है, पहले चाइना ने इन्वाइट किया था इंडिया को और वो हुआ था वुहान में जहाँ से कोविड वायरस निकला है ऐसा माना जाता है, और दूसरी हुई थी मामल्लपुरम में जहाँ की साड़ियाँ और जहाँ का बेसिकली एक कह सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। और ये दोनों के दोनों बेसिकली जो टर्बुलेंट टाइम था, टेंशन का टाइम था, उसके बीच में रिलेशन को मेंटेन करने में काफ़ी सहयोग दिए थे, हालांकि सहयोग हो नहीं पाई क्योंकि अल्टीमेटली तुरंत उसके टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में इनफॉर्मल मीटिंग करने के पीछे दोनों का अपना एक इंटरेस्ट था। इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट सिंपल यही है कि चाइना के साथ में रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, कैसे चाइना को अपना ट्रस्ट बिल्डअप करके कैसे इनके साथ में ट्रेड को और बेटर करना है, क्योंकि इंडिया का आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो सर्विस सेक्टर काफ़ी बढ़िया हो रखा है
और इस सर्विस सेक्टर को कैसे हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट करके, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, तो दोनों मिलकर के कैसे वर्ल्ड पर अच्छा खासा प्रभाव लगा सकते हैं, उसके बारे में ही बेसिकली ये लोग आपस में मिल बांट करके एग्रीमेंट करेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इंगेज चाइना एंड द इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ दिस काइंड अलाउ इंडिया टू स्टैंड ऑन पार विद इट्स मच मोर पावरफुल नेबर। नेबरहुड को क्लियर रखना, नेबरहुड को पीसफुल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके घर के बगल में ही बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही होगी, वहाँ पर वेपन रखे जा रहे होंगे, तो हमेशा आपको एक थ्रेट बना रहेगा। और सेम थ्रेट यहाँ पर इंडिया को भी बना रहता है जब भी चाइना के साथ में रिलेशन थोड़े से भी अगर गड़बड़ होते हैं तो। एंड डिस्कस इश्यूज इन सेटिंग वेयर देयर इज नो प्रेशर ऑफ डिलीवरेबल्स। मोर ओवर इट फर्दर हेल्प टू कंट्रोल द लेटेस्ट एस्केलेशन इन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। जैसे अभी वुहान समिट हुई जस्ट आफ्टर डोकलाम क्राइसिस, लास्ट ईयर मैनेज टू स्टीयर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज़ को सही करने के लिए। चाइना के भी अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट ये हैं कि अगेन उसे भी इंडिया को अपना एक ट्रेड पार्टनर बना करके रखना है। इंडिया आगे जा करके एक बड़ी मार्केट बनने वाली है, इनफैक्ट बड़ी मार्केट है भी। तो चाइनीज डिस्पेंशन रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ इंगेजिंग इंडिया टू अवॉइड अनएंटिसिपेटेड पिटफॉल टू द रिलेशनशिप। अभी चाइना में क्या है, कई सारे जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रही है हांगकांग में, हांगकांग के लोग अगेन ये लोग भी अपना पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं जो शुरुआती दिनों में ब्रिटेन ने चाइना को डिलीवर करते हांगकांग डिलीवर करते हुए दिया था। वन चाइना पॉलिसी के दौरान में, दिस इज़ वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी में चार कंट्री हैं, एक कंट्री आपकी आती है दिस इज़ ताइवान की कंट्री, दूसरी कंट्री आ जाती है आपकी तिब्बत, तीसरी आ जाती है आपकी मकाऊ और चौथी आ जाती है आपकी हांगकांग। शुरुआती दिनों में ताइवान और चाइना ये दोनों तो एक ही हैं, बस अल्टीमेटली सिविल वॉर हुई थी। तिब्बत को 1955 में इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, मकाओ को 1997 में पोर्चुगीज़ ने डिलीवर कर दिया था विद सम एग्रीमेंट्स, और हांगकांग को ब्रिटेन ने 1998 में डिलीवर कर दिया था चाइना को, और अल्टीमेटली यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए गए थे जिसमें मकाओ और हांगकांग इन दोनों लोगों को ये कहा गया कि लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा इसी कंट्री से होनी चाहिए, यानी कि मकाओ की मकाओ से, हांगकांग की हांगकांग से। हालांकि चाइना अब एग्रीमेंट, मतलब कि चाइना अब जो है कुछ नए लॉज बना रहा है जिसके बेसिस पर चाइना इन कंट्री पर कैसे एक्सटर्नली रूल कर सकता है उसके बारे में बातें कही जा रही हैं। खैर ये हमारे अभी फिलहाल के डिस्कशन में नहीं है, जस्ट एक आइडिया दिया गया है इनकेस अगर क्वेश्चन आता है या फिर आपको इस फॉर्मेट में लिखना हो तो। चाइना अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट एक हो रहा है आपका हांगकांग का इलाका, दूसरा वैगूर मुस्लिम की भी क्या प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है जिनजियांग प्रोविंस में, और इनफैक्ट इसी जिनजियांग को और प्रमोट करने के लिए और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा लिया गया है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा बाकी दलाई लामा का भी इशू एक है ही। तो इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए चाइना इज़ बाउंड टू टॉक विद इंडिया, और यही इंटरेस्ट है इनका, इसी वजह से इनफॉर्मल मीटिंग भी कराई गई थी। बाकी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इन दोनों के बीच में कई सारे फ्रिक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, और इसके लिए अगेन इंडिया जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और इसी वजह से चाइना इंडिया के साथ में इनफॉर्मल मीटिंग कर रहा है। हाउएवर देयर आर क्लियर लिमिट्स टू इनफॉर्मल समिटरी एज इंडिया हैज़ फाउंड आउट सिंस वुहान। डिस्पाइट ऑल द रिटोरिक एंड सिम्बोलिज्म एट मामल्लपुरम द सब्सटैंसिव आउटकम रिमेन्स क्लाउडेड इन मिस्ट्री। कुछ भी पता नहीं था आखिर में क्या फाइनलाइजेशन हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी देखा गया इनफॉर्मल मीटिंग के बाद में चाइना ने कुछ एक बड़ा बखेड़ा, कुछ एक बड़ा एक्शन ले लिया है जो कि इंडिया के फेवर में नहीं रहा है। इट इज़ मैनिफेस्टेड इन डिफरिंग व्यूज बाई इन द बोथ द कंट्रीज ऑफिशियल प्रेस रिलीज एज वेल एज नो मेंशन ऑफ डिस्कशन और प्रेसिंग इश्यूज सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट और चाइना पाकिस्तान अलायंस। खैर दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में अभी भी मिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को साथ एक हाथ पकड़ करके नहीं चल सकते हैं। एक और रिसेंट में अभी करंट अफेयर्स आई है, एक और चीज़ आई है, अभी हम लोगों ने जो बात किया था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेकर के हमेशा एक टसल बनी रहती है इंडिया और चाइना के बीच में। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा है ये बेसिकली सियांग कही जाती है चाइना में, ज्योग्राफी में आपने देख रखा होगा, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है यारलोंग जांगबू, इस यारलोंग जांगबू पे एक रन ऑफ द रिवर डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और ये चाइना ने यही क्लेम किया है कि हम लोग रिवर को, मतलब कि पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर कई सारे सिल्टेशन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सिल्ट यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और सिल्ट के इकट्ठा होने के कारण से यहाँ पर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए गए होंगे वो फंक्शन नहीं करेंगे, वो फेल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे।
और इनफैक्ट चाइना की तो यही पॉलिटी, यही इसकी रणनीति भी होती है, यही उसका तरीका भी होता है, स्ट्रेटजी भी यही होती है। अगर हम बात किया जाए, व्हाट आर द कंसर्न्स दैट इंडिया हैज़ रिगार्डिंग द रीसेंट डेवलपमेंट ऑन ब्रह्मपुत्रा, क्या कंसर्न्स हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ कंसर्न्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के बारे में रहेगा। पहली चीज़ कि अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ रिवर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ रिवर कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेवलपमेंट, कि यहाँ पर कोई भी क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि न तो चाइना ब्लूप्रिंट देगा जो डैम है, और न इंडिया उससे क्लेम भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। तीसरी चीज़, बॉर्डर डिस्प्यूट में एक पॉलिटिकल लिवरेज ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो चाइना अब वहाँ पर अगर डैम बना लेता है तो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट का इलाके पर ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका होगा वो चाइना के कैप्चर में ज़्यादा बेटर तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी भी इम्प्लीकेशन है, नेशनल सिक्योरिटी की भी एक यहाँ पर बात आ जाएगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ सकते हैं, इसके अलावा डिज़ास्टर की वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये पॉइंट्स होंगे इंडिया के लिए जो एक कंसर्न के पॉइंट है। क्या कर सकता है इंडिया, व्हाट कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडिया? अब यहाँ पर इंडिया यही कर सकता है कि पहली चीज़, हाइड्रोलॉजिकल कैपेसिटी को पहले बढ़ा ले, और दूसरी चीज़, इसका कुछ ना कुछ जो है एक अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा इंडिया को, और इसके लिए इंडिया को चाइना के साथ में बात करना पड़ेगा। बिल्डिंग इंटरनेशनल कंसेंसस अगेंस्ट चाइनाज एक्टिविटी, चाइना कई जगहों पर इस तरीके के इलीगल काम कर रहा है, चाहे वो आसियान के साथ हो, या फिर आपके ताइवान का मुद्दा हो, या फिर कहीं पर भी, जहां पर भी देखेंगे तो वहां पर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, या जो भी कंट्री चाइना से परेशान है, उनको एक साथ इकट्ठा आप कर सकते हैं। इकट्ठा कर लेंगे तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है चाइना पर थोड़ा सा प्रेशर बना सकें। तो ये भी काम कर सकता है इंडिया, एंड दिस शुड बी द कोर्स ऑफ इंडिया, ये काम किया जा सकता है। अमिड द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर हैज़ बीन नेशन वाइड कॉल फॉर बैन इन चाइनीज़ गुड्स। अब रिसेंट में जब अभी कोविड हुआ था तो वहाँ पर ये डिमांड की जा रही थी कि चाइनीज़ गुड को हम लोग बंद किया जाए, लेकिन क्या हम बंद कर सकते हैं? काफ़ी हद तक तो किया गया, लेकिन खैर अल्टीमेटली चाइना पे हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं और हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं। दिस कॉल फॉर अटेंशन टुवर्ड्स एक्सटेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद चाइना। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि हमारा आखिर में डिपेंडेंसी का नेचर और एक्सटेंट क्या है, कितने हद तक है? तो देखिए, चाइना का जो इम्पोर्ट है इज़ अबाउट 16.6%, और यहाँ चाइना काफ़ी चीज़ों को इम्पोर्ट करता है हमारे इंडिया में। इसमें फार्मास्यूटिकल के जो APIs होते हैं, यानी कि जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, वो सेंड किया जाता है। और जो API है वो क्या है कि एक तरीके से कह लीजिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी इतनी ज़्यादा डेवलप है उसके लिए बेसिक इनपुट है। अगर API यहाँ पर नहीं आया तो फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, सोलर इंडस्ट्री, सोलर के लिए जो भी इनपुट चाहिए होते हैं वो सब चाइना से आता है। केमिकल और एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये सब के सब इनपुट्स वहीं से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। इनफैक्ट स्टील को भी वहीं से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट, मतलब कि काफ़ी हद तक वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, और जो डिपेंडेंट भी हैं वो रॉ मटेरियल पर ही डिपेंडेंट है। तो रॉ मटेरियल की अगर कटिंग कर देता है चाइना तो हमारी सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक तरीके से डिपेंडेंसी हो रखी है, जिसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव फिलहाल के लिए नहीं है, वी हैव टू अगेन वहीं चाइना से ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आखिर में इसके डिपेंडेंसी की रीज़न्स क्या हैं? रीज़न के लिए देखिए, तमाम चीज़ें हो गई। पहली चीज़, पास में है, नियरेस्ट है। दूसरी चीज़, सस्ते में मिल जाता है। इसके अलावा हाइली कॉम्पिटिटिव चाइनीज़ गुड्स हैं। इनइफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेड रिमेडियल मेजर्स हैं। तो अल्टीमेटली देखेंगे कि यहाँ पर चीज़ें सस्ते में और ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। क्या हमारे ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है? नो डाउट, ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ पर डंपिंग की जाती है और डंपिंग के कारण से जो भी हमारे MSME सेक्टर के लोग हैं वो काफ़ी हद तक इससे मतलब परेशान है, काफ़ी हद तक इनसे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ओवरऑल यही कह सकता है कि जैसे प्राइस की वोलेटाइलिटी को रखना, सस्ते में चीज़ों को करना, डंपिंग करना, निगेटिव या फिर कह लीजिए कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस को अपनाना, ये सब के कारण से डोमेस्टिक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ख़राब हो रही है, और MSME सेक्टर को अल्टीमेटली काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट को? हम देखिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये WTO की पॉलिसी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आप किसी भी आइटम को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन रोक नहीं सकते वो बात ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव तो बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम लोग
अपने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और यही इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट कर भी रही है। इसके अलावा अगर कोई डंपिंग किया जाता है तो हम लोग डंपिंग की जगह पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं और अपने मार्केट के अकॉर्डिंग में अगेन कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। तीसरी चीज़, जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन चाइनीज़ ऐप्स का इंडियन वर्जन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे रिसेंट में जो टिकटॉक थी उसकी जगह पर इंडियन वर्जन की चीज़ें लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ जितने भी गेम्स वगैरह थे या जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे उसके अल्टरनेटिव हमने इंडिया में डेवलप कर लिए हैं। क्या हम बायकॉट करेंगे अगर चाइना को, तो इज़ देयर एनी चैलेंज, क्या यहाँ पर चैलेंज है? यस, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि चाइना एक फुल फ्लेज्ड बड़े स्टेट के रूप में है जहाँ पर वो बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस उसके साथ ट्रेड वॉर खेल रहा है। तो अभी इंडिया जो कि काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, अगर इंडिया अपने टफ एक्शंस लिया तो चाइना के पास काफ़ी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी कुछ वो रिएक्शन दे सकता है। इसके अलावा चाइना विल बेयरली बी हर्ट। चाइना का जो एक्सपोर्ट है, मतलब बेसिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और चाइना का जो इम्पोर्ट है, वो इंडिया पर डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। तो इंडिया ये नहीं कह सकता कि आपका सामान अपने पास रख लो, हमारा सामान हमारे पास, ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास में ऑप्शंस हैं। इसके अलावा चाइना के पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है और वो इंडिया से टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी आगे है, तो हमें टेक्नोलॉजी को भी इम्पोर्ट करने के लिए चाइना पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें चाइना को कहीं ना कहीं इंडिया से काफ़ी आगे खड़ा कर देती हैं। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम चाइना से काफ़ी दूरी बना के रखेंगे या चाइना से अलग रहेंगे। डिस्पाइट कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इट्स रिलेशन विद चाइना, देर इज इंक्रीजिंग परसेप्शन दैट एक्शन ऑफ चाइना आर इमिकेबल टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट। इन दिस बैकअप इंडिया इज ऑल्सो स्टेपिंग अप इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और अब क्या है, हम लोग बाकी कंट्रीज के साथ में जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिल करके अभी रिसेंट में क्वाड ग्रुपिंग बना लिया गया है। इसके अलावा हम लोग बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये सब मिल करके साथ में आ रहे हैं, क्योंकि सब चाइना के द्वारा सताए गए हैं और ये सारे लोग मिल करके ग्रुपिंग कर रहे हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए तमाम तरीके बना रहे हैं। दस इंडिया मस्ट बी प्रोएक्टिव टू रिसिस्ट एनी चाइनीज ट्रांसग्रेशन एंड एट द सेम टाइम यूटिलाइज डिप्लोमेटिक स्किल टू टोन डाउन द टेंशन। तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि हाँ हम चाइना से वॉर करेंगे, लेकिन चाइना से झुक भी नहीं सकते हैं, हम झुक भी नहीं सकते, हम इतनी भी खराब पोजीशन में नहीं है कि हम झुकें। तो ओवरऑल ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए जब भी आप कभी भी चाइना के बीच में, मतलब इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन लिखे। तो अब जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि आखिर में कैसे लिखना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम को लेकर के। प्रोजेक्ट मौसम इज कंसिडर्ड अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इट्स नेबर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी लाई गई थी और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के जरिए चाइना इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है। अब इंडिया के साथ में एक बॉर्डर लगती है आपकी म्यांमार की। म्यांमार में जो पोर्ट है वो है सितवे पोर्ट। सिमिलरली बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश में जो पोर्ट है वो है आपका चिटागोंग पोर्ट। इन सब को बेसिकली कैप्चर करके रखा गया है चाइना के द्वारा। फिर आ जाती है श्रीलंका, यहाँ पर आ जाती है हम्बनटोटा, इसको भी कैप्चर किया गया है। फिर यहाँ से पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट हो गया, इसको भी कैप्चर करके रखा है। तो बेसिकली इंडिया को चारों ओर से काउंटर करने की कोशिश किया जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के द्वारा। तो इंडिया पीछे नहीं रह सकता था। इंडिया ने भी अपना प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट मौसम। और इस प्रोजेक्ट मौसम में ये कहा गया कि हम इंडिया जो आसपास की नेबरहुड है उसके साथ में कल्चरल रिलेशन मेंटेन करेंगे, कल्चरल रिलेशन। और इस कल्चरल रिलेशन के नाम पर यहाँ पर भी पोर्ट्स का सहारा लिया गया। ईरान में हम लोगों ने लगाया चाबहार पोर्ट और बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और इस रिलेशन मेंटेन करने के दौरान में ही ये एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी निकल करके आई जो कि बेसिकली नेबरहुड को तो स्ट्रांग कर ही रही है, प्लस साथ ही साथ में इसकी स्ट्रेटेजिक डिमेंशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्वेश्चन क्या है। तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। डज द प्रोजेक्ट हैव स्ट्रेटेजिक डिमेंशन ऑल्सो? तो यस, इट हैज़ स्ट्रेटेजिक डिमेंशन। क्यों स्ट्रेटेजिक डिमेंशन है? तमाम पॉइंट्स है। पहली चीज़, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है इसे काउंटर किया जा सकता है इसके द्वारा। दूसरी चीज़, चाइना जितने भी मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा है आसपास के इलाके में, इंडिया उसको काउंटर कर सकता है। इंडिया कंट्री के साथ में रिलेशन मेंटेन करके इसको काउंटर कर सकता है। तीसरी चीज़, इंडिया के पास में अपनी खुद की एक टेरिटरी है, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, और ये खुद अपने आप में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर इंडिया के सारे फोर्सेज हैं और इसके थ्रू यहाँ इंडियन ओशियन में
बहुत तेज़ी से इंडिया की जो ट्रूप्स हैं वो मूव कर सकती हैं, तो अपने आप में ये भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है। इसके अलावा जो नेबरहुड है उनके साथ में काफ़ी अच्छी रिलेशन मेंटेन हो जाएगी, तो रिलेशन मेंटेन होगी चाहे वो कल्चर के नाम पे हो, चाहे ट्रेड के नाम पे हो, चाहे चाइना को काउंटर करने के नाम पे हो, यह हमारे लिए अल्टीमेटली फ़ायदेमंद ही होगा। इसके अलावा जब भी नेबरिंग बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे, तो ट्रेड तो होगा ही होगा, तो ट्रेड भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक साबित हो सकता है। तो ओवरऑल इस 5 पॉइंट को आप लिखेंगे इस आंसर में और इस तरीके से दिखा देंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट मौसम है, नाम जरूर दिया गया है कि ये कल्चरल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, बट इट हैज़ स्ट्रेटेजिक डिमेंशन। क्लियर हो गया क्या है? सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इन लाइट ऑफ OBOR। ये आपका OBOR वन बेल्ट वन रोड है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिफाइन कर दीजिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिफाइन करने के बाद में दोनों के बीच में रिलेशन को बताइए। रिलेशन का मतलब आपको कुछ बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इंडिया का जो सॉवरेनिटी वायलेशन है उसको बताना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज सॉवरेनिटी वायलेशन। और अगर हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया कि POK का जो पार्ट है वो पाकिस्तान का है और अक्साई चीन का जो पार्ट है वो चाइना का है, और ये काम हम नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से हमने इस OBOR को एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो अल्टीमेटली नेचर में यही लिख देंगे, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज सॉवरेनिटी वायलेशन। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि POK एंड जो अक्साई चीन है, दिस विल अगेन, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, दिस विल गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना रिस्पेक्टिवली, तो ये अपने आप में रिलेशन हो जाएगा। तीसरी इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो बॉर्डर का एरिया होगा वो अगेन काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना का मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर इलाके में ट्रेड जो है वो अगेन वीक हो जाएगा, इसलिए वीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगेन चाइना के मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने आप में रिलेशन जो होता है काफ़ी पुअर होते जा रहा है, दोनों के बीच में टसल, दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्पाइट अ कॉर्डियल ममल्लपुरम समिट बिटवीन PM मोदी एंड चाइनीज प्रीमियर, डिस्प्यूट ऑन LAC हैज़ डीपेंड आफ्टर अ गैप ऑफ सेवरल ईयर्स। इसके बारे में तो वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि चाइना की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपना ईगो है, अपना ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक फिर वो किसी भी फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये तो डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मतलब कुछ नहीं है, इसी OBOR का मैरीटाइम सिल्क रूट है। हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया ब्रीफली, अब ये कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सेम यही सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल हम लोग इस डिस्कशन को यहीं स्टॉप करेंगे। हम लोगों ने अपने फर्स्ट डिस्कशन में इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशन है एक बैकग्राउंड भी देख लिया, प्लस साथ ही साथ में इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देख लिया। क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो कैसे लिखना चाहिए डिस्कस किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप खुद भी लिख करके सेंड कर सकते हैं फीडबैक के लिए, बाकी आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। सेंड करने के लिए आप ईमेल कर लीजिएगा, ईमेल ID recognition@gmail.com, ठीक है? तो ये चीज़ आपको डिस्कशन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज़ इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस, और कंटिन्यू करेंगे आगे जो भी और भी कंट्रीज़ हैं और भी जो करंट अफेयर्स हैं। फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।